जय हिंद। नमस्कार साथियों, दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। YouTube पे बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत ज्यादा फोन आ रहे थे, बोले कि सर एकेडमी चालू हो गई है क्या या न्यू बैच कब स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूं, तो जी हाँ दोस्तों, इंदौर फिजिकल एकेडमी चालू हो गई है और आने वाली 15 तारीख से अपनी न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। आप भी आ सकते हैं इंदौर फिजिकल एकेडमी और आप भी अपने सपने को साकार कर सकते हैं। और ये भाई लोग आए हैं अदर अदर स्टेट से, इनसे भी आपको परिचय करवाऊंगा और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अपना खाना बताएंगे, अपने ट्रेनिंग की फीस बताएंगे, अपना रहना खाने की फीस बताएंगे और साथ में पूरी हॉस्टल बताएंगे कि हॉस्टल कहां पर और किस तरह यहां पर बच्चे रहते हैं। तो जी आप कहां से आए हैं? सर हम जबलपुर से आए हैं। हमारे भाई को इंडियन आर्मी जीडी की प्रिपरेशन करनी है। जी आप कहां से आए हैं? गोरखपुर से आए हैं। जी आप कहां से? गुजरात से सर। गुजरात। आप? जबलपुर। आप? जबलपुर। आप? गुजरात से। गुजरात। आप? गुजरात से। जी आप? गुजरात से सर। जी गोरखपुर, जबलपुर और गुजरात से आए। चलो ठीक है, काई तैयारी कर रहे हैं आपको? इंडियन आर्मी जीडी। जी और आपको? इंडियन आर्मी जीडी। जी जी और आपको? इंडियन आर्मी जीडी। जी आपको? इंडियन आर्मी ट्रेडमैन। ट्रेडमैन तैयारी करना है। जी तो आपने इंदौर फिजिकल एकेडमी क्यों चुना? सर इंदौर फिजिकल एकेडमी चुनने का एक कारण है जी, कि इसके माध्यम से मैंने अपनी स्वयं देखा अपनी आंखों से कि कैसे निरंतर बच्चे सफल हो रहे हैं और देश सेवा कर रहे हैं इस एकेडमी में आकर के। तो बस मैंने देखा और आपकी वीडियोस देख करके मतलब अच्छा लगा, ये अनुभव किया मैंने कि जब सब लोग कर सकते तो ये क्यों नहीं। बस मेहनत करने का है तो मेहनत वो करेगा, बाकी गाइडेंस आपका जैसे हर बच्चों पर रहता बहता रहेगा तो जरूर मेरा अपना भाई जो उसका सपना है फिजिकल एकेडमी में इंडियन आर्मी जीडी सोल्डर बनने का वो साकार करेगा। थैंक यू सर। जी आप गुजरात से आए हैं? हाँ जी सर। और अपना थोड़ा सा वीडियो भी एक घुमराह का टाइप से वीडियो अपलोड हुआ था, तो आपने इंदौर फिजिकल एकेडमी से वापस किसे ट्रस्ट कर लिया? सर हमको अच्छा लगा, हमने वीडियो सब देखा जी, यहाँ से सब बंदे ट्रेनिंग करके जाते हैं तो करते हैं सर, अच्छी तरह से सिलेक्शन हो जाती है, हमने भी ऐसा लगा तो हमने आगे। तो दोस्तों आप सभी लोग देखिए कि इंदौर फिजिकल एकेडमी से हजारों स्टूडेंट्स फौजी बन गए हैं और इसीलिए इंदौर फिजिकल एकेडमी को फौजियों की फैक्ट्री कहा जाता है। उसका सबूत दोस्तों ये है, लगे एडमिट कार्ड। और अभी हमारे मध्य प्रदेश में महुआ रैली भर्ती थी देवास में और वहां पर भी इंदौर फिजिकल एकेडमी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला संस्थान बना है। अब बात आती है ट्रेनिंग की फीस, आप सभी लोग जानते हैं इंदौर फिजिकल एकेडमी की ट्रेनिंग की फीस क्या है? सर 4,000 रुपए। 4,000 रुपए क्या है सर? ये खाने पीने की फीस है और बाकी बहुत सस्ता है यहाँ पर जी। और ट्रेनिंग की फीस क्या है? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए ट्रेनिंग की फीस है जी। चलो क्या फीस है ट्रेनिंग की? ट्रेनिंग की फीस सर 5,000 है और खाने की ट्रेनिंग की 4,000। 4,000 रुपए। दोस्तों लोग आप सबको एक बार और मैं वापस बता दूं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को गुमराह नहीं किया जाता, क्योंकि आपको लोग गुमराह करते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर कन्फर्म बता दूं कि ट्रेनिंग की जो फीस है वो मात्र 5,000 रुपए है, वो आपको एक ही बार देना पड़ेगा और रहना और खाना आपका लगेगा बाबू 4,000 पर मंथ, है ना। टोटल मिलाकर जैसे आप आज एडमिशन कर रहे हैं करवा रहे हैं तो मात्र आपको कितना देना पड़ेगा 9,000 रुपए और अगले महीने आपको देना पड़ेगा मात्र 4,000 रुपए जो कि रहना और खाना। यहाँ पर एक विश्वास से आए हैं तो मैं भी आपका विश्वास बनाए रखूंगा और मेरा एक ही लक्ष्य है कि आप लोग इतनी दूर दूर से आए हैं तो बस मैं यही अपना कठिन परिश्रम के साथ में कि बंदा इतनी दूर से आए, एक विश्वास से आए, बस बंदा यहाँ से फौजी बन जाएगा और बंदा फौजी जरूर बनेगा। लेकिन मेरी वो दो पंक्तियां हमेशा याद रखना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, अरे थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, है ना। और 1,000 से 300 बंदों को यहाँ पर बैग भी रखे, वो बंदे भी आ जाएंगे और सभी अपन और तैयारी होगी जैसे रैली भर्ती होती है ना अपनी, 300 बंदे के बीच में दौड़ते हैं, वही 300 बंदे आपको मिलेंगे और वही 2 से 3 ग्रुप बनेंगे और बढ़िया जगह से किस दौड़ेंगे। और ये एडमिट कार्ड है ना। तो साथी लोग आप भी आ सकते हैं इंदौर फिजिकल एकेडमी, कभी आपको जीडी के लिए फॉर्म फिल अप्लाई करना है तो उसके लिए आपकी हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर जीडी के लिए, है ना। और परसेंटेज आपका होना चाहिए 45+ और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 अंक+ होना चाहिए, है ना, तब आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बताएंगे अपनी हॉस्टल की, यहाँ पर हॉस्टल कैसी है। 2 मिनट में आया हूँ। चलो दोस्तों लोग ये भाई लोग भी आए हैं यहाँ पर और आ जाओ, इस तरह आपको रूम मिलेगा, यहाँ पर ये रूम मिलेगा दोस्तों, इस तरह
स्टार्ट का रूम मिलेगा और बहुत बड़ी हॉस्टल है अपनी, बाहर आइए। ये पूरी व्यवस्था, यहाँ पर कैमरा वगैरह लगे, कौन जा रहा कौन आ रहा है। दोस्तों लोग वहां से ही अपनी हॉस्टल है, देखिए वहां तक पूरी हॉस्टल एक जगह है और आप भी आ सकते हैं इंदौर फिजिकल एकेडमी और आप भी अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो आने वाली 15 तारीख से अपनी न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की।